वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान करके राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ मिलता है। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास काट रहे थे। भगवान श्री राम को यह सूचना मिली कि महाराज दशरथ का पुत्र वियोग में देहांत हो गया है। उस दौरान उन सभी को अपने पिता के लिए पिंडदान करना था। पिंडदान हमेशा किसी पवित्र नदी के पास जाकर होता है। वे तीनों गया के फल्गु नदी के तट पर पहुंच गए। जब वह नदी के पास पहुंचे, तो पंडित जी ने श्री राम से पिंडदान की सामग्री लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी सामग्री लाने के लिए पास के गांव में निकल पड़े। समय बीतने लगा और लक्ष्मण जी की कोई खोज खबर नहीं थी। तब भगवान श्री राम ने यह निर्णय लिया कि वह खुद उनकी तलाश करने जाएंगे। पूजा की शुभ मुहूर्त निकली जा रही थी। समय काफी बीतता गया पर दोनों की कोई खोज खबर ना थी। इस पर माता सीता ने यह निर्णय लिया कि उनके पास जो भी सामग्री है उसी से वह पिंडदान करेंगी। विविध पूर्वक माता सीता ने पूजा समाप्त की। यह पूजा सफल हो गई और राजा दशरथ ने भी इसे स्वीकार कर लिया। यह देख माता सीता प्रसन्न हुई और उन्होंने पंडित, गाय, फल्गु नदी, कौवा और वटवृक्ष को इस बात का साक्षी बनने को कहा। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। भगवान श्री राम ने कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब माता सीता ने कहा कि यह फल्गु नदी, पंडित, गाय, कौवा और वटवृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी, पंडित, गाय और कौवा इस बात से मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने ही सही बात कही। तब माता सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। तब दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना को स्वीकार कर वहाँ प्रकट हो गए और भगवान श्री राम को सारी बात बता दी। अंत में माता सीता फल्गु नदी, पंडित, गाय और कौवा को झूठ बोलने के लिए उन्हें श्राप दे दिया। माता सीता ने फल्गु नदी को क्रोधित होकर श्राप दिया कि तू सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, तुझ में कभी पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सुखी रहती है। माता सीता से पंडित को श्राप मिला कि पंडित को कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। कौवे को यह श्राप मिला कि उसके अकेले खाने से भी कभी पेट नहीं भरेगा और आकस्मिक मृत्यु होगी। गाय को यह श्राप मिला कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी। और अंत में वटवृक्ष को माता सीता से आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री उसका स्मरण कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो को एक लाइक दे दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।